comes before, after, between. Here it is a machine of waste material जिसके द्वारा बच्चे सीख सकते हैं what comes before, what comes after, what comes between. एक बार बच्चों की समझ बन जाने पर बच्चे उदाहरण स्वरूप इसको ले करके अपने और भी आगे कर इसी से संबंधित चीज कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं between, यहाँ लिखा हुआ है between. Between से पहले पहले जो आएगा वो है before, और जो इसके बाद में आएगा वो है after. पहले before, between, फिर है after. और जब बच्चे इसको अपने आप से करेंगे तो ये उनके टच थेरेपी, इसको बोलते हैं टच थेरेपी, तो यहाँ ये ज़्यादा असरदायक होगा उनके लिए सीखने में. तो अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है लेटर M, तो बच्चे को बताएंगे ये है between, तो यहाँ पर between में बीच में आया है M. और यहाँ पर इसके बाद हमने क्या बताया था बच्चों को कि यहाँ पर है तो before, between, before, तो बीच में है am, और before मतलब पहले, इसके पहले क्या आएगा, before में क्या आएगा इसके l, इसके before में आएगा l. और जब हम बताएंगे बच्चों को after, तो यहाँ से बच्चे इसको after, then M, N, M, N, between, M, N, between, after, M, N. इस तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं. और बाकी भी इसी तरीके से हम बच्चों को बता सकते हैं कि इस साइड है तो before है, बीच में है तो between, और इस साइड में है तो राइट साइड में है तो आफ्टर, लेफ्ट साइड बिफोर, इन द मिडिल बिटवीन, एंड इन द राइट साइड आफ्टर, एंड सो ऑन. व्हाट कम्स आफ्टर एस, एस टी. व्हाट कम्स बिफोर V, yes. What comes before W, V. Okay, so let's enjoy this before, after, and between machine with the students.